हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी हरे चने की और आलू की आज हम सब्जी बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार इसको बना लोगे ना, तो आपको और सभी सब्जियाँ इसके आगे फिक्र लगने लग जाएगी। तो ये फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हरे चने लिए हैं। ये देखिए, राजस्थान के लोग इनको जानते हैं। अगर आप बाहर से भी हो तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, या तो फिर आप इनको छील लीजिए, या फिर ये छिले हुए भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मस्त बनती है इनकी सब्ज़ी और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये प्यारी सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो आलू हैं वो मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। तो कुकर के अंदर बना रही हूँ, क्योंकि कुकर के अंदर फटाफट बन जाती हैं और चने होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो जल्दी पक जाते हैं कुकर के अंदर। सबसे पहले कुकर के अंदर डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद में हमें इसके अंदर आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे जीरा, और जीरे को थोड़ा सा पकने देते हैं, कलर चेंज होने देते हैं जीरे का। फ्रेंड्स, हरे चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार जब बना लोगे तो आपका मन करेगा कि रोज़ ही इसको खा ले, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और कई टाइप से बनाई जाती है। तो मैं आपके साथ हर टाइप शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, तेल पकने के बाद मैंने इसके अंदर दो कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है, और इनको दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू, कटे हुए आलू डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। लगभग 2 मिनट तक आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर, और बहुत मज़ेदार बनती है हमारी ये सब्ज़ी। इसी के साथ हम डाल देंगे इनके अंदर बिल्कुल फ्रेश चने, काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा, और चनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़ेदार बनती है फ्रेंड्स ये सब्ज़ी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी आपसे यही पर्सनल रिक्वेस्ट है। और सबसे पहले मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप बना पाएँ फटाफट इस रेसिपी को, क्योंकि मार्केट में अभी चने आने स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने सभी मसाले। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें डालना उतना नमक डाल दीजिए। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर डालेंगे हम धनिया पाउडर, और इन सभी मसालों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जले भी नहीं और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएं, पक जाएं अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, हम बाद में डालेंगे इसके अंदर पानी, अभी नहीं डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। लहसुन के पेस्ट से चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, जो हरे चने की सब्ज़ी है वो मतलब हर किसी के बनाने की उसके बाद नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता होगा शायद कि पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन फ्रेंड्स इसको बनाना जैसे मटर की बनाते हैं आलू के साथ, वैसे ही बना लीजिए, बहुत मज़ेदार बनती है। मटर से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगवा ली है। 2 सीटी के बाद में हमारी जो हरे चने की सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है खाने में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है ये, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है गरम मसाले से, और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी, मज़ेदार सी चने की और आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बनी है ये सब्ज़ी, और ये देखिए, मैंने इसको लगभग तो निकाल दिया है। हमारी हरे चने की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है आलू के साथ, खाने में मज़ेदार बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके पास में जो बेल आइकन का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक उसका एक मैसेज पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।